सिद्धार्थ और आशीष। हाँ जी, वैसे तो मैं सिद्धार्थ शुक्ला का फ़ैन हूँ, लेकिन मैं एक अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि इन दोनों में बेस्ट सिद्धार्थ है, क्योंकि एक जब हमारे पे बात आती है समझदारी की तो सिद्धार्थ पे ज़्यादा है, ना कि आसिम पे। सिद्धार्थ पे एक्सपीरियंस है, किस लेवल पे कैसे बात करना चाहिए, कहाँ क्या बात करनी चाहिए, किस वक्त क्या काम करना चाहिए। और जो आसिम है वो अभी थोड़ा मतलब उभरता हुआ सितारा है, आगे चल के वो भी बहुत नाम कमाएगा, लेकिन सिद्धार्थ ज़्यादा बेस्ट है उससे। आई थिंक आसिम एंड सिद्धार्थ की वजह से। सिद्धार्थ और आसिम कौन ट्रॉफी को डिजर्व करता है? सिद्धार्थ शुक्ला। क्या लगता है सिद्धार्थ और आसिम में कौन ट्रॉफी पे बाजी मार सकता है? सिद्धार्थ और आशीष में मेरे ख्याल से सिद्धार्थ बेस्ट रहेगा। सिद्धार्थ भी बहुत अच्छे नेचर के हैं और उनके कई मैंने फॉलोअर्स भी किया है, वो भी बहुत अच्छे हैं और उनका नाटक वगैरह भी आता है, शूट भी होता है, तो वो भी शूट पे भी बहुत सीधे स्वभाव से हैं। अगर सिद्धार्थ और आसिम की बात करें, सिद्धार्थ आसिम की बात करें तो आसिम। आपका नाम? आयुष। आयुष, आप बिग बॉस इस बार फॉलो कर रहे हो? यस। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ शुक्ला क्यों? एक्चुअली ही इज बहुत थॉट्स में क्लियर है, हालांकि थोड़े बहुत प्रोवोक गुस्सा करता है, बट प्रोवोक ज़्यादा किया जाता है उसको, और इतना तो नॉर्मल है, एक महीने अगर आदमी महीनों वहाँ रहेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही ऑब्वियसली, बट ही इज़ गुड और ऑब्वियसली जीतेगा वो। शहनाज। शहनाज क्यों? रीज़न? शहनाज मतलब बिना उसके खेल रही है, उसका कोई वो नहीं है कि सबके साथ मिलजुल के रह रही है वो, और अच्छा दिल से खेल रही है। दिल से खेल रही है। फेवरेट में थोड़ी कन्फ्यूज़न है, एक आसिम है आसिम रियाज और दूसरे सिद्धार्थ शुक्ला, यही दोनों हैं, इन दोनों में थोड़ा फ़र्क करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। सिद्धार्थ शुक्ला है। क्यों? रीज़न कोई? वो थोड़ा जेन्यून पर्सन है, मतलब जो बाहर है वो भी अंदर ही वही दिखता है, इसलिए। अगर हम फेक कंटेस्टेंट की बात करें, कौन है सबसे ज़्यादा फेक घर में? रश्मि है। रश्मि देसाई। हाँ, जो सेलिब्रिटी को हम टीवी में देखते हैं, नाटक में देखते हैं, जैसे मम्मी हमारी देखते हैं, वो सिद्धार्थ शुक्ला है। वो बंदा ठीक है, लेकिन उसकी जिस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी है, बॉडी है, या उसने इमेज कमाई है मार्केट में या फिल्में अपने इंडस्ट्री में, वो उसने कचरा कर रखा है काफ़ी वो। और जो क्या नाम है वो सैमसंग जो बाल बाल ज़्यादा करता है, हाँ बोल ऐसा करके करता है, उसमें मज़ा नहीं आता। वो बंदा ऐसा ही है, बस बेफालतू में है, कुछ नहीं है, गंदा कर रखा है, आराम से वो खेल ही नहीं पा रहे। हॉल में टीवी लगा हुआ है, सर्दियों में सोचते हैं कि देखेंगे कुछ मजा आएगा, उसमें मजा हो ही नहीं पा रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला। रीज़न? रीज़न जेन्युइन लगता है मुझे वो, मतलब फेस पे बोल देता है, एंड रश्मि फेक लगती है बहुत ज़्यादा, मतलब इमोशनल हो जाती हैं चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्यों? उसका लड़ाई देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका जो एटीट्यूड जो देखते हैं, जो बंदे में जो होना चाहिए वो बहुत ही ज़बरदस्त की रहती है, और नोकझोंक हो गया या लड़ाई हो गया बहुत ही मज़ेदार रहती है उसकी। आपसे अगर मैं पूछूं आपका फेवरेट कंटेस्टेंट? सिद्धार्थ शुक्ला। क्या लगता है इस बार वो विनर बनेंगे बिग बॉस? बिल्कुल वही विनर बनेगा, उसी में क्वालिटी है विनर बनने का, और पूरा विश्वास है कि वो विनर बनेगा। अगर आप आसिम सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में आए दिन हमें लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता रहता है। अभी एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी बाप वाली, जब ये एक दूसरे के बाप पर चले गए थे, फिर हाल ही में क्राई बेबी तक बोल दिया था, तो आपको क्या लगता है इन दोनों की लड़ाई में कौन सही और कौन गलत? एक्चुअली दोनों वो एग्रेशन में हो जाता है, जब एग्रेशन टोन ऐसा होता है आदमी, तो उसमें आदमी कोई लोग कर लेते हैं उस चीज़ को, मतलब फ़र्क महसूस कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं बोल जाते हैं, लेकिन उसका वो मतलब नहीं होता है। तो शुक्ला का भी वो मतलब नहीं रहता, बाप और माँ पे जाना नहीं रहता, वो हो जाता है, टोन में निकल जाता है, जैसे लोग गाली निकल जाती है तो निकल जाती है, लेकिन उसका मतलब नहीं होता है। क्राई बेबी कोई गाली तो नहीं है, बहुत नॉर्मल वर्ड है। और पोक आसिम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, ऐसा नहीं कि ख़राब है, वो बहुत अच्छा था। ऑल ऑफ अ सडन जब से रश्मि का मतलब इन्फ्लुएंस में आया, रश्मि अरहान के, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगा, और उसे एक चीज़ ये भी पता है कि अगर उसे फुटेज चाहिए या फिर उसे लाइमलाइट में रहना है तो किसी ऐसे से ही टकराना पड़ेगा जो ऑब्वियसली उसके टक्कर का ही हो और उससे या उससे स्ट्रॉन्ग हो। और सिद्धार्थ के अलावा अगर आप किसी से भी लड़ रहे हो या कोई भी आपका यू नो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तो आपको फुटेज नहीं मिलेगी। आप ये देख लो कि मधुरिमा तुली होगी या विशाल तक जोकर है, मधुरिमा हो गए, शेफाली भग हो गए, लोग तो मतलब शो में फिलर भी नहीं है, है ही नहीं लोग उसमें। आसिम रियाज जो है वो सुनता नहीं है, उसको सुनना चाहिए सामने वाले बातें, हाँ बोल, वो बंदे को बोलने नहीं देता, वो थोड़ा उसको सुनना चाहिए कि अंदर क्या कहना चाहता है। ये है अब ये कितने दिन का रह गया, कुछ टाइम का हो रहा है, उसके बाद जैसे कौन पूछेगा कौन सुनेगा। सिद्धार्थ शुक्ला की एक इमेज है, वो अपना बंदा ठीक है, वो कुछ बोलता भी नहीं है, और जब बोलता है तो हिला भी देता है, तो ठीक है वो इस टाइम बढ़िया है, क्योंकि उसके हमने एक टीवी में देखा है ना। तो वो बात की जाए जो बाप वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, दोनों ने एक दूसरे के बाप पे आ गए थे और गाली गलौज की, ये गलत है क्योंकि उसमें पहली कॉन्टैक्ट साइन हो जाता है। उन्हें इतना सोच कर समझना चाहिए कि हम किसी के, पहली बात तो एक शो है और वो एक ही इंडस्ट्री के बंदे हैं, अब एक ही इंडस्ट्री के बंदे कचरा करेंगे अपने अंदर में, तो बाहर जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर, ऐसा नहीं कि हम देखते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सभी देखते हैं, कहते हैं ये क्या है,
तो उससे हमारे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो ये निकल जाएगा शो, अगला देखेंगे। हमें तो मज़ा आता है क्योंकि हमें रियलिटी दिखती है, हमें तो मज़ा आता है और टाइम भी कटता है। और दूसरी बात मेन चीज़ हम भाईजान की वजह से देखते हैं, हाँ क्योंकि उनकी जो एक्टिंग है ना उसको देखने के लिए यूट्यूब पे भी डाउनलोड किया हुआ, यूट्यूब पे हम देख लेते हैं कि हाँ ऐसे है। अगर निकल भी जाता है कभी कभार, ऐसा नहीं कि हम रोज़ देख रहे हैं, फंक्शन भी होते हैं, पार्टी अटेंड करते हैं, हम देख लेते हैं अगले दिन कैसे हो रहा है, तो उसमें भी दिख जाता है, मज़ा आता है। ये तो इंटरटेनमेंट है, यहाँ पे गाली गलौज तो बहुत से लाइव भी चलते रहते हैं, ये सही नहीं है, गलत है, चाहे सिद्धार्थ हो या फिर असीम हो। बट ठीक है, कभी कभी आप इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि उस टाइम पता नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन बाद में रियलाइज होना ज़रूरी है कि हाँ अगर ऐसा कुछ गलत किया तो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, वो एक चीज़ है। तो ओवरऑल मुझे सिद्धार्थ का गेम ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका जस्टिफिकेशन किसी भी चीज़ का वो अपने आप को प्रूव कर देता है कि हाँ वो जो किया वो सही किया है। इस बार कहा जा रहा है साइमा कि जो बिग बॉस है वो बहुत बायस्ड हो रहे हैं, सलमान खान से लेकर कलर्स टीवी, हर कोई सिद्धार्थ शुक्ला को जिताना चाहता है, तो आपको क्या लगता है कि बायस्ड है इस बार शो या नहीं? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है क्योंकि वो जेन्युइन बंदा लगता है मुझे सिद्धार्थ शुक्ला, सो आई थिंक कि जीतना चाहिए उसे। मैम 24 घंटे में से एक घंटे तो दिखाते हैं, उसमें से बाकियों के लिए भी वही दिखाया जाता है जो पब्लिक को पसंद आता है, और पब्लिक को पसंद आता है कि मतलब मुझे अच्छा लगता है कि भाई वो जो चीज़ है वो आपको मुँह पर बोल देता है, वो आपको आई मीन ऐसा नहीं जैसे शेफाली बग्गा को वो बिल्कुल भी भाव नहीं देता, और उसके बहुत क्लियर फ्रेंड्स थे, निचली आसिम के साथ था, फिर अब सना के साथ है, और बाकी मतलब बाकी आरती के साथ भी उसका इन एंड ऑफ चलता रहता है, सो इट्स गुड, मतलब उसने बहुत ज़्यादा फ्लिप नहीं किया है। नहीं, वो हर बार लगता है कोई किसी को लेकर के बायस, अब सलमान को कोई फेवरेट हो जाता है, कभी उनको आसिम अच्छा लगता है, शुक्ला को भी वो शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, सहनाज गिल को तो कैटरीना कैफ ही कहते रहते पंजाब की, तो उनकी तो फेवरेट वो ऑलरेडी है ही, कहीं कहीं इग्नोर कर देते, लेकिन वो ह्यूमन नेचर होता है, उसका उतना माइंड नहीं करना चाहिए, वो ठीक है, वो इतना कोई बायस वायस नहीं है, उसमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है, आप लोग भी दिखाओ फिर लड़ लड़ के। जैसे मन जैसे कि ये GIP मॉल के पीछे ही बनवे गए जाए तो डरते हैं कि बंदा ये है सीरियल में, उसका काफ़ी एक इमेज है और उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ठीक है, तो उनको डर है कि अंदा ये TRP भी वही ला रही है, वो लेके आ रहा है। उसने एक डायलॉग दिया था ना अभी कि फटती है तुम सबकी सिद्धार्थ शुक्ला के नाम से, है ना, तुम सब झुंड में ऐसे कुछ करके उसने बोला, तो वो है, वो लगता है, अब अगले बंदे को पता है कि हम अगर ये रहा तो हमें खा जाएगा, तो इसलिए उसको आउट करने के लिए, उसको इमेज गिराने के लिए ऐसा करते हैं। हम उसको ही बोलेंगे सिद्धार्थ शुक्ला को भी, भाई थोड़ा पब्लिक है, थोड़ा देख समझ के एब्यूज वर्ड यूज़ करो अपने अंदर, पेरेंट्स के ऊपर ना बोलो, दूसरा वाला अगर कीचड़ पर पत्थर गिर रहा है तो ये नहीं कि हम भी कीचड़ पर पत्थर गिरेंगे, कपड़े अपने भी सन्ने हैं, तो इसलिए उसके लिए यही है बेस्ट है कि अपने आराम से रहे, बंदा ठीक है, तो हम तेरे फैन नहीं है, सिद्धार्थ शुक्ला का फैन नहीं हो, ऐसे नहीं कि मैं फैन हूँ इसलिए उसकी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, एक इमेज से पता लग जाता है। अगर हम बात करें रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई की, तो आपको क्या लगता है, आए दिन वो भी कहीं ना कहीं पोक करती रहती हैं सिद्धार्थ को, तो आपको क्या लगता है इनकी जो लड़ाई है उसमें कौन सा है? ये लड़ाइयाँ तो इनकी पहले से ही चल रही हैं, किसी को एग्जैक्टली चीज़ें नहीं पता, बट यू नो आप किसी ना किसी को सपोर्ट करते ही हो, तो जहाँ जैसा मैं फॉलो करता हूँ जितना दिखता है उस हिसाब से भाई गलत दोनों होंगे, बट सिद्धार्थ सही है क्योंकि वो जहाँ वो चीज़ें, हाँ ठीक है उसकी भाषा थोड़ी ख़राब है, बट भाषा किसी की और सही नहीं, बाकी सारे ऐसे ही हैं, कोई एक देता है कोई चार देता है, बट गाली सारे देते हैं। नहीं, दोनों ठीक है अपनी जगह, लेकिन हमें लगता है रश्मि देसाई ओवर एक्टिंग करती है ज़्यादा, शुक्ला इज़ ओके। अगर हम बात करें, स्ट्रेट रहता है वो, साफ साफ बोलता है जो बोलना रहता है, भले ही बुराई बोलना रहता है रश्मि देसाई, ये लोग असल में नाटक ही कर रहे हैं अंदर। दोनों अपने जगह सही हैं, आप किसी को बोल भी नहीं सकते। मुझे तो सिद्धार्थ सही लगता है हमेशा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो ओवर रिएक्ट करती है रश्मि चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा। अभी मैंने पहले तो मुझे नहीं मालूम लड़ते रहते थे या नहीं, अब देखा है मैंने तो उनको इसी बिग बॉस के घर में ही, तो मतलब मुझे रश्मि सही लगती है, सिद्धार्थ मतलब बहुत ज़्यादा वो है एग्रेसिव। वो तो प्यारा सा लड़ाई होता है, वो तो मज़ेदार तो होता ही है। अगर इरिटेटिंग कंटेस्टेंट की बात करें, हमको इरिटेट वो करती है आरती सिंह, वो सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है, वो सब जगह झगड़े लगवाती रहती है, इधर का उधर करती है, इधर का उधर करती है, उसका काम ही यही है। और अगर फेक कंटेस्टेंट की बात करें, फेक तो हमको मतलब नकली सी एक्टिंग हमें पता नहीं क्यों, उसको रश्मि देसाई का लगता है कि वो एक्चुअल है नहीं जो दिखाना चाहती हैं, वो काफ़ी चीज़ें फेक करती हैं, नकली सा लगता है उनका रश्मि देसाई का। वो है तो बड़ी स्टार छोटे टेलीविज़न की, लेकिन वो मतलब उनकी एक्ट वहाँ पे नकली सी लगती है, कि लगता है कि कुछ प्लान करके वो इस तरीके से कर रही है, समथिंग लाइक दैट। रश्मि आई थिंक, रश्मि देसाई। और अगर मैं बात करूँ इरिटेटिंग एकदम जो पका देता है घर में, बोल रहे थे ना पकाता है वो, बताओ कौन? रश्मि है ज़्यादा पकाती है छोट। हाँ,
इरिटेट नहीं, पोक कर देता आसिम इरिटेट पहले, मतलब इरिटेट आप चलो रश्मि, मतलब अजीब सी बातें करती यार, इतना बड़ा टीवी का नाम है, बट उस हिसाब से वो सिर्फ अपनी रॉयल्टी या लेगेसी की वजह से इस चीज़ों का भी देख रही है, और शायद इसे टीवी वाले कलर्स वाले प्रमोट भी कर रहे हैं बिकॉज शी बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। अदरवाइज उसने शो के लिहाज से पर्पज से उसने कुछ भी नहीं किया, वेरेस शहनाज को आई थिंक नॉर्थ हम लोग बिल्कुल नहीं जानते थे, और वो फॉर श्योर टॉप 3 में या 4 में तो जाएगी ही जाएगी।